8 दिन से अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे चीन के जासूसी बैलून को यूएस एयरपोर्ट से बुधवार को मार गिराया है। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक्शन के आदेश दिए थे। अमेरिकी F-22 फाइटर पायलट्स ने स्ट्राइक की। बाइडेन ने अपने फाइटर पायलट्स को बधाई दी। वहीं अमेरिकी कार्रवाई पर चीन ने बड़ा एतराज जताया है। चीन ने कहा कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे पास भी कार्रवाई का अधिकार है, हम भी जरूरी एक्शन ले सकते हैं। बता दें, बैलून को शुरू में 28 जनवरी को अमेरिकी एयरपोर्ट जोन में प्रवेश करते हुए देखा गया था। इसके बाद उसे मेंटागन क्षेत्र में उड़ते पाया गया। यह अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। सेना को शक था कि बैलून जासूसी कर रहा है, यहाँ की जानकारियां चीन तक पहुंचवा रहा है। इस वजह से उन पर नजर जो है इस बैलून पर रखी जा रही थी। तमिलनाडु के तिरुपतुर के बानियामराई के शनिवार को भगदड़ में 4 महिलाओं की यहां पर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यहां थाईपुसम त्यौहार के मौके पर एक व्यक्ति मुफ्त साड़ियां और वेस्टी यानी सफेद धोती के टोकन बांट रहा था। टोकन लेने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान भगदड़ मच गई। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबरें हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही CMMK स्टालिन ने दुख जताते हुए मृतक महिलाओं के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है।